जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अल्फा नेटवर्क वालों का वाईफाई, जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और मैं इसका देने वाला हूं मुकम्मल रिव्यू। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। जी गाइस, आप देख रहे हैं जस्ट बी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट शफीक अहमद। जी आप लोग देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स का बैक साइड है। ये वायरलेस यूएसबी पिको यूएसबी एडाप्टर है अल्फा नेटवर्क वालों की। ये है यूएसबी, आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर डिस्क और वाईफाई मौजूद है पैकिंग में। अल्फा नेटवर्क वालों की ये वाईफाई है। अब हम इसके करने लगे हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये जी बॉक्स ओपन हो गया है और इससे जो सामान है वो बाहर निकाल लिया गया है। इसके अंदर क्या क्या है जी, हमें ये दिखाई दे रहा है एक रेड कलर का जी कोई गत्ता वगैरह कोई चीज़ इसके अंदर रखी गई है मे बी सेफ्टी के लिए, और एक वाईफाई और एक डिस्क है। ये है जी वाईफाई, छोटी सी इसके अंदर डिवाइस है। ये जी हमने बाहर निकाल दी है, बहुत ही एहतियात से पैक की गई है। आप देख सकते हैं मिनी है जी, बिल्कुल छोटी सी। और ये है जी डिस्क, छोटी सी डिस्क है, नॉर्मल डिस्क से ये छोटी है, बिल्कुल मिनी साइज़ की है। आप देख सकते हैं 25 मिनट्स 225 MB साइज़ की ये डिस्क थी। और ये जी इट में सेफ्टी के लिए इसके अंदर रखा गया था। और ये डिस्क है जी लिटिल डिस्क, मिनी डिस्क भी हम इसे कह सकते हैं। और ये किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकती है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, और ये आइकॉन इंटरनेट का नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन आर अवेलेबल डिवाइस लगाने से पहले का। अब मैं डिवाइस को जो है इंसर्ट कर रहा हूँ, उसमें लगा रहा हूँ कंप्यूटर के साथ। देख सकते हैं बिल्कुल अटैच हो चुका है वाईफाई डिवाइस। अब अगर मेरे पास नेटवर्क अवेलेबल है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप विंडोज 7 और XP इस्तेमाल करते हैं तो आप इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क आपने सिंपली CD रूम या DVD रूम में डाल लेनी है और इसको ओके कर देना है। जी दोस्तों, मैंने डिस्क इंसर्ट कर ली है। अब हम उस डिस्क को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये CD रोम की डिस्क है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो किस्म के ड्राइवर हैं, MTK के और Realtek के। MTK के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के जो हैं, ये सेटअप है। और दूसरा है जी Realtek वालों के वायरलेस जो हैं ड्राइवर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realtek के इंस्टॉल करें। सेटअप है, आप इंस्टॉल करके सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं डिस्क के अंदर मौजूद हैं, और जो डिस्क है वो बॉक्स के साथ अवेलेबल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। मज़ीद इस तरह के अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप साथ मौजूद थंबनेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।